हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आई एम अंकिता। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14, सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th का। तो जो भी आपका लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने जो हमारी क्लास थी वो एंड की थी आइसोमेरिज्म के टाइप्स पर। बहुत सारे आइसोमर्स के टाइप्स देखे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप क्या होते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। इसी के अलावा लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, ये सब डिस्कस किया था। इनके डेफिनेशन भी देखे थे, इनके चार्ट को भी देखा था और इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। राइट गाइस, आज क्लास में हम लोग अपने मूव कर रहे आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या थ्योरी इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर में। जनरली रिएक्शन तो हर किसी को करते आती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती है कि हम लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। सब्सट्रेट किसको बोलते हैं, रिएजेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएक्शन कंडीशन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैक्स टू मैक्स केसेस पे हमको पता नहीं होती है। तो यू ऑल आर वेरी लकी गाइस कि आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के आपके सिलेबस का ही पार्ट है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस तो आप बहुत सारी पढ़ने वाले हो, लेकिन रिएक्शन की जो ये थ्योरी है ना इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ही है। और ये थ्योरी पढ़ने के बाद आई होप कि आपके रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो है, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो है, वो भी आज के क्लास के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर किस बात की देरी, देखते हैं फटाक से थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को। हम लोग देख रहे हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप जनरली किसी भी रिएक्शन को देखते हो, सपोज आप लोग कोई भी रिएक्शन को कंसिडर करते हो, तो रिएक्शन में देखो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। रिएक्शन में सबसे पहले ए होता है, ए के अंदर हम लोग बी डालते और उससे आपको मिलता है सी प्लस डी। ए के अंदर बी डालते हो और बी से आपको क्या मिलता है, सी प्लस डी मिलता है। तो आप लोगों ने देखा है कि रिएक्शन जो होती है वो जनरली सारे रिएक्शन इसी फॉर्म में होते हैं। वो बात अलग है कि हमको पता नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, सब्सट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, वो हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, हमको इतना पता है कि इस टाइप में ही जनरली आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको फिलहाल याद रखना है कि लेट अस से जो आपका ए है वो सब्सट्रेट है। दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है, ये सब्सट्रेट क्या चीज़ है। भाई थोड़ा सा वेट करो, मैं सब आपको एकदम बेस्ट वे में समझा के दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। एक बार मैं सारे नाम मेंशन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सब समझा के देती हूँ कि होता क्या क्या है। ठीक है, ये जो बी है ना, ये होता है आपका रिएजेंट, ये जो सी होता है ये आपका प्रोडक्ट होता है, और ये जो डी होता है ना ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे आप लोग लेते हो रिएक्शन कंडीशन को, तो इस टाइप से ही आपकी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन, सारे के सारे टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो फॉर्म होता है ना वो हमेशा आपका इसी टाइप में होता है। ठीक है, चलो अब अपन लोग वन बाय वन ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या 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 होता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है आपका सब्सट्रेट। हम लोग देख रहे हैं कि सब्सट्रेट क्या चीज़ होती है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं कि सब्सट्रेट क्या होता है। द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स एटम, जिसमें जनरली आपका आएगा कार्बन एटम, फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं। फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रिएजेंट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिएजेंट क्या होता है। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में पढ़ने का कुछ अलग ही मजा रहता है। ठीक है, द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट द चेंज
substrate is called as a reagent. उसके बाद में होता है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि डेफिनेशन नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. द सब्सटेंस विच इज डिजायर्ड टू बी ऑब्टेन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. उसके बाद में देख लेते हैं बाय प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट is called as byproduct. सुनो भाई, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो. आई नो कि सभी को बहुत बोर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं रहा है. सुनो भाई, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करती हूँ तो जितनी भी डेफिनेशन आपको बुक में दी रखे ना, वो डेफिनेशन को देखना है तो देखो, लेकिन वहां से पढ़ना मत, क्योंकि वो जो आपकी बुक की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशंस जो है ना, वो एक प्रॉपर फ्रेम में नहीं है. और यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को फ्रेम करके लिखा है और थोड़ा इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की, सो दैट आपको डेफिनेशन याद भी रह सके और आप डेफिनेशन को कंसेप्ट वाइज प्रॉपरली समझ सको. ठीक है, चलिए. किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखने के बाद आप जनरली ऐसे बोलते हो, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी. ये बिल्कुल उसी टाइप का है. ध्यान देना, ए यहाँ पे आपका सब्सट्रेट है. सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब ऐसी चीज जिसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है या बॉन्ड का ब्रेकिंग होने वाला है. सपोज अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, ध्यान देना भाई, हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन को ले रहे हैं. उस रिएक्शन को देख के आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिएक्शन को ले रही हूँ और वो जो रिएक्शन है ना, वो है आपका भाई, देखो इस तरीके से, ध्यान से देखना, वो है आपकी कुछ इस तरीके की रिएक्शन. यहाँ पे आपका जो कार्बन है ना, उसने टोटल चार बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ में. ये है आपका मीथेन. ठीक है, इस मीथेन के अंदर में मैं डाल रही हूँ क्लोरीन को, मतलब इस Cl2 को, और ये रिएक्शन हो रही है HNO के प्रेजेंस में. अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे है आपका क्लोरीन और यहाँ पे है आपका H. जब आप इसके अंदर में इसको डालते हो तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकलता है और यहाँ से आपका HCl बनता है. एक बार रिएक्शन को समझ लो, फिर मैं आपको पूरी चीज़ समझा के देती हूँ. रिएक्शन नहीं समझेगी तो ये कंसेप्ट आपको नहीं समझेगा. सबसे पहले मैंने क्या करवाया, सबसे पहले मैंने इस मीथेन के अंदर में Cl2 को डलवाया. ठीक है, अब ये जो Cl2 है ना, ये HNO के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है. यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका Cl, HCl के फॉर्म में बाहर निकल रहा है. ठीक है ना भाई, निकल गया HCl के फॉर्म में बाहर. और क्या, निकल गया ना वो HCl के फॉर्म में बाहर. अब देखो क्या होगा, ये जो है ना, ये है आपका CH3 और ये H के जगह पे क्या आएगा, ये H के जगह पे आएगा आपका Cl. ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट. चलो अब अपन समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने आगे की पार्ट की तरफ. तो आगे की पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको सारे के सारे डेफिनेशन समझा दिए. चलिए समझते हैं कि सबसे पहले सब्सट्रेट क्या होता है. देखो ये आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, ये आपको रिएक्टेंट दिख रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और उस हाइड्रोजन के जगह पे क्या आया, उस हाइड्रोजन के जगह पे कुछ नई चीज आई, है ना. मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि सब्सट्रेट के अंदर में एक बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ और एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ. इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोवाइड करता है कार्बन एटम को फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सट्रेट. ये चीज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आपको बस यहाँ इतना ही याद रखना है कि सब्सट्रेट में एक्चुअली क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा और एक नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. सब्सट्रेट में आपके न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करती हूँ अब रिएजेंट की, अब जरा सुनो,
रिएजेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जो चेंज लाता है सब्सट्रेट के अंदर में। ध्यान से देखना, सपोज यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता था तो ये मीथेन का मीथेन ही रहता था, क्या ये चेंज होता था? नहीं। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था? नहीं। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता था? नहीं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है नए वाले, ये जो कंपाउंड के अंदर में चेंज आ रहा है, ये किसके वजह से आ रहा है? ये क्लोरीन के वजह से आ रहा है। मतलब क्लोरीन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन यहाँ पे एक रिएजेंट है। क्लोरीन यहाँ पे एक ऐसा एजेंट है जो सबस्ट्रेट के अंदर में कुछ नए चेंजेस ला रहा है। क्लोरीन जो है ना, वो आपका एक ऐसा रिएजेंट है, वो आपका एक ऐसा एजेंट है जो इस सबस्ट्रेट के अंदर में कुछ नए चेंजेस को ला रहा है, तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? रिएजेंट। ठीक है, तो याद रखना, सबस्ट्रेट मतलब वो रिएक्टेंट जिसके अंदर में कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो? सबस्ट्रेट। रिएजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है इसके अंदर में, उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। अगर यहाँ रिएजेंट नहीं होता था तो क्या होता था? तो ये जो है ना, ये ऐसा का ऐसा ही रहता था, लेकिन यहाँ रिएजेंट आया इसलिए इसने कुछ नया फॉर्म किया। तीसरी थिंग है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो होता है आपका प्रोडक्ट। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी मेरा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट रहता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं सोचती हूँ कि ये बनना चाहिए, वो है मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अब क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ, जैसे आप लोग सपोज जूस बनाते हो, ठीक है, अगर आप लोग एप्पल का जूस बना रहे हो तो एप्पल का जूस बनाते वक्त एप्पल का जूस तो बनता है, लेकिन ऊपर जो आपकी चालनी रहती है ना, उसमें कुछ ऐसी ग्रेवी तैयार होती है जो हमारे कुछ भी काम की नहीं होती है। एप्पल का जूस बनाओ, चीकू का जूस बनाओ, आप बनाना का जूस बनाओ, या तो आप अनार का जूस बनाओ, कोई भी चीज़ का अगर आप जूस बनाते हो तो नीचे में तो जूस बनेगा, मतलब नीचे में तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्योंकि नीचे में तो जूस बनेगा, लेकिन जो आपका ऊपर में एक ग्रेवी रहता है ना, जैसे जाड़ा जाड़ा पार्ट बच जाता है, जो आपका मिक्सी में मिक्स नहीं हो पाता है, तो वो जो जाड़ा जाड़ा पार्ट रहता है ना, वो ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो जो ग्रेवी रहती है वो हमको नहीं चाहिए, फिर भी वो फॉर्म हो रही है ना, तो वो वेस्ट है। वो क्या है? वो वेस्ट है। इसी तरीके से रिएक्शन तो आपने करवाई, प्रोडक्ट तो आपको मिला, लेकिन उसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो वेस्ट रहती है, जो हमारे कुछ काम की नहीं होती है, फिर भी वो फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो आपका HCl है ना, ये हमारे एक्चुअली कुछ भी काम का नहीं है, हमें यहाँ पे HCl से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये HCl एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे कुछ भी काम के नहीं होते हैं, फिर भी वो फॉर्म होते हैं, वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। जैसे एप्पल का जूस बनाते वक्त जूस तो है, वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन जो भी ऊपर एप्पल का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहता है, जो हमारे एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, वो क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। तो आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो सबस्ट्रेट मतलब वो रिएक्टेंट जिसके अंदर में कुछ ना कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। सबस्ट्रेट मतलब वो रिएक्टेंट जिसके अंदर में कुछ ना कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो सबस्ट्रेट है। रिएजेंट मतलब वो एजेंट या वो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट के अंदर में कुछ चेंजेस लाता है। रिएजेंट मतलब वो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट के अंदर में कुछ चेंजेस लाता है। अगर रिएजेंट नहीं डालेंगे तो ये सबस्ट्रेट एज इट इज रहेगा। ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने इसके अंदर क्लोरीन डाला, क्योंकि अपन ने इसके अंदर रिएजेंट डाला। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट मतलब वो चीज़ होती है जो हम लोग सोचते हैं कि ये बनना चाहिए और वो बनता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब वो चीज़ जो हम सब नहीं चाहते कि बने, हम लोग उसको कोई डिज़ाइन नहीं करते, हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है वो, फिर भी वो ज़बरदस्ती से बनता है। एक्चुअली हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्ती फॉर्म होता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हुए आपके सबस्ट्रेट, ठीक है, रिएजेंट, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ये चार चीज़ें होती है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर में। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि ये चार चीज़ें तो सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो रहेंगी रहेंगी। जल्दी से आप लोग ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपका आगे का पार्ट है वो है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। आगे का पार्ट है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अभी हम लोग ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और सेकंड है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं ये दोनों चीज़ें डिस्कस, कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है और आपका बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है। चलिए भाई देख लेते हैं एक बार। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स? रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है या जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से देखना है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. सपोज मैंने कोई भी बॉन्ड लिया है, अगर मैं कोई भी बॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो ये है मेरा कोवलेंट बॉन्ड. ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है मेरा कोवलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. अब इस बॉन्ड के अंदर में अगर ध्यान से देखते हो, एकदम ध्यान से, तो इस बॉन्ड के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो दो इलेक्ट्रॉन उन्हीं को देखते हैं जिनके आंखों में दूरबीन लगा होता है. मतलब ही केमिस्ट्री का दूरबीन लगा होना चाहिए. अगर केमिस्ट्री का दूरबीन आंखों में लगा होगा तभी आप इसको देख सकते हो भाई. दूरबीन मतलब इंटरेस्ट. कहना मुझे ये है, जिसको भी केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट होगा वो सीरियसली ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है. तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये है इलेक्ट्रॉन नंबर वन और ये है आपका इलेक्ट्रॉन नंबर टू. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो इनका अलग अलग तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. देखो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान से देखना ध्यान से. अगर मैं बात करती हूँ कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग या मैं बात करती हूँ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग. सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग और फिर हम लोग देखेंगे भाई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन. पहले देखा कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग और अब हम लोग देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन. ध्यान से देखेंगे सभी लोग, देखो क्या होता है. सपोज मैंने एक कोवलेंट बॉन्ड लिया, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो जब ये ब्रेक होगा ना, तो देखो कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, या इधर जीरो इलेक्ट्रॉन आएगा. अभी आप इलेक्ट्रॉन को मत देखो, आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जब आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हो ना, तो आप एक्चुअली बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे, आप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो ध्यान से, इस बॉन्ड के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है. ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, समझना पड़ेगा. ऐसा मत समझना कि मैं खराब पढ़ा रही हूँ, टॉपिक ही वैसा है. ये जो बॉन्ड है इसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है, सबको दिख रहा है. एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है. अब जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन का देखो क्या होता है, एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे तो एक तरफ जीरो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा होगा. मतलब बॉन्ड को तोड़ते वक्त इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब जरा इधर आते, अपन लोग कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कैसे करेंगे. सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका दोनों के साथ मिला के दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे आपने बॉन्ड को क्या किया, यहाँ पे आपने बॉन्ड को तोड़ा, मतलब ही यहाँ पे आपने बॉन्ड को ब्रेक किया. तो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हम लोग, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दो को एक एक के टर्म्स में बांट रहे हैं या दो के जीरो के टर्म्स में बांट रहे हैं. तो आप फिलहाल इसको मत देखो, सिर्फ इतना देखो कि कोवलेंट बॉन्ड का अगर आप लोग ब्रेकिंग करते हो या आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हो, तो आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अलग अलग वे में रीडिस्ट्रीब्यूट किया. वही अगर मैं यहाँ बात करूँ कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपने यहाँ ये देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन आपने यहाँ ये देखा कि आप जो है ना, आप इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करवा रहे हो. मतलब आप फिर से इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनवा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर बनवा रहे हो. तो ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चाहे आप बॉन्ड को ब्रेक करो या चाहे आप बॉन्ड को फॉर्म करो, दोनों केसेस में आप करने क्या वाले हो, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन. एक तो इलेक्ट्रॉन को दो हिस्सों में बांटोगे या तो इलेक्ट्रॉन को दो हिस्सों में जोड़ेंगे, जोड़ तोड़ का काम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ में. इसलिए याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट. चलिए भाई, अब हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं ना, वो है आपके क्लीवेज को, कि क्लीवेज एक्चुअली क्या होता है और क्लीवेज के एक्चुअली टाइप्स क्या होते हैं.
तो चलिए गाइस देखते हैं क्लीवेज क्या होता है और क्लीवेज के टाइप्स क्या होते हैं, और ये जो चीज़ हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म से देखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी होमोलिटिक क्लीवेज, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो उससे होगा क्या? उससे कुछ और नहीं होगा, सिर्फ उससे नुकसान आपका ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि होमोलिटिक में क्या पॉइंट्स थे और हेट्रोलिटिक में क्या पॉइंट्स थे। तो बेटर होगा कि हम लोग ये दोनों को कंपेयर करके पढ़े। कंपेयर करके पढ़ने से आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्लीवेज को, ठीक है। अब जो आपका क्लीवेज होता है ना भाई, ध्यान देना, सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। जो भी आपका क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, क्लीवेज का मतलब ही होता है टूटना, या क्लीवेज का मतलब ही होता है तोड़ना। दो मतलब होते हैं भाई क्लीवेज के। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कभी भी अगर हम लोग किसी बॉन्ड को दो पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब अगर मैं किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, किसी बॉन्ड को दो हिस्सों में तोड़ रही हूँ, तो आप उस चीज को क्या बोलते हो? क्लीवेज बोलते हो। याद रखना, बॉन्ड का तोड़ना, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का ब्रेकिंग, उसी को आप लोग सभी लोग क्या बोलते हो? क्लीवेज बोलते हो। अब ये जो क्लीवेज होते हैं ना, इस क्लीवेज के टोटल दो टाइप्स होते हैं। ये दो मेजर टाइप्स हैं इस क्लीवेज के। पहला टाइप होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। पहला टाइप क्या होता है भाई? पहला टाइप होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो एक है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। क्या है? होमोलिटिक। तो होमो का उल्टा क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो सारे के सारे? हेटरो होता है। होमो का उल्टा ही आपका होता है हेटरो। तो सेकंड टाइप के क्लीवेज का नाम भी क्या रहेगा, जल्दी से बता दो? हेटरोलिटिक क्लीवेज। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई कि क्लीवेज के टोटल दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज और सेकंड टाइप होता है आपका हेटरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अगर एक है होमो तो दूसरा क्या रहेगा? हेटरो रहेगा। कैसे? देखो, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। एक रहता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या था? हेटरोजीनियस मिक्सचर। बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे है, एक है आपका होमोलिटिक क्लीवेज और एक है आपका हेटरोलिटिक क्लीवेज। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ को समझने के से पहले हम लोगों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश है, कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपको दोनों में पढ़ना है। अगर आपको ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस समझ में आ गए तो आप सारे पॉइंट्स को बहुत ईजिली लिख सकते हो। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेटरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोग देखेंगे ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में ये होता है। ये चीज़ देखने के बाद में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय एरो। कौन से एरो से हम लोग ये दोनों रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई कि आपके प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म, कौन से प्रोडक्ट आपके फॉर्म होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में हम लोग यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्लीवेज के दो टाइप्स देखने वाले हैं। पहला मेजर टाइप है क्लीवेज का होमोलिटिक क्लीवेज और सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है भाई आपका हेटरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्लीवेज ही नहीं पता क्या होता है तो ये दोनों टाइप आप नहीं पढ़ सकते। याद रखना, जब आप किसी भी बॉन्ड को दो हिस्सों में तोड़ते हो, हाँ, दो हिस्सों में उसको ब्रेक करते हो, तो आप उसको क्लीवेज बोलते हो। क्लीवेज के दो टाइप कौन से? होमो और हेटरो। चलिए सबसे पहले मैं होमोलिटिक क्लीवेज का डेफिनेशन आपको बताती हूँ। इन होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक बार अपन लिखते हैं फिर समझते हैं। इन होमोलिटिक क्लीवेज, इन होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन गोज ऑन टू वन एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन गोज टू अदर एटम। ठीक है, इसका भी एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझा के देती हूँ। इन हेटरोलिटिक क्लीवेज, गोज टू
बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब ही आपके टू इलेक्ट्रॉन्स गोज टू ओनली वन एटम। चलिए भाई समझते हैं इस चीज को कि होमो में क्या होगा और हेट्रो में क्या होगा। देखो सपोज मैंने कोई एटम को लिया, ध्यान से देखना ध्यान से, सपोज मैंने कोई बॉन्ड को लिया, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, ध्यान से देखना भाई ध्यान से, सपोज मैंने कोई बॉन्ड को लिया, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी मैंने दो इसको लिया है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटेगा ए और बी, ठीक है ध्यान से देखना ध्यान से। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो और जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो देखो याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में आपके हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो होमो में नाम है होमो और होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब ही होता है एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा होता है, उसी का मतलब इक्वल होता है ना, होमो का मतलब एक जैसा एक सारखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने ये देखा कि इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर में हुआ, दो इलेक्ट्रॉन थे दो चॉकलेट थी, एक चॉकलेट एक बच्चे को मिली और दूसरी चॉकलेट दूसरे बच्चे को मिली। लेकिन अगर मैं वही बात करती हूँ ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, तो ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, इसके केस में दोनों की दोनों चॉकलेट एक को मिल जाएगी और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है भाई कि होमोलिटिक क्लीवेज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन एक को मिलेगा, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला। लेकिन अगर वही मैं बात करती हूँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो ना तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही मिलते हैं और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हेट्रो होमोलिटिक क्लीवेज में अगर दो चॉकलेट है तो एक चॉकलेट एक बच्चे को मिलेगी और दूसरी चॉकलेट दूसरे बच्चे को मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन एक बच्चे को मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बच्चे को मिलेगा। लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में देखो क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, दोनों के दोनों चॉकलेट एक ही बच्चे को मिलती है और दूसरा वाला जो बच्चा होता है ना वो क्या करेगा, रोने लगेगा क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ को मिलते हैं और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिलते, क्योंकि उसका नाम ही हेट्रो, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, तो कुछ डिफरेंट वे में होगा। बट होमो में एक इसको और हेट्रो में दोनों एक ही इसको मिलेंगे, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है, ये होता है ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपका होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है, या तो आप लोग इसको करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ठीक है, परोक्साइड्स के अलावा ही आप इसको करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो होमोलिटिक क्लीवेज को आप करवा सकते हो सनलाइट, परोक्साइड और अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। लेकिन जो भी आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज रहता है ना, आप उसको करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ पोलार सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, परोक्साइड और अल्ट्रावायलेट लाइट, और ये होता है ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ पोलार सॉल्वेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है ना उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ऐसे एरो से, ध्यान रखना उसको आप लोग ऐसे एरो या ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज रहता है ना उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ऐसे एरो से। जरा ये देख लो, ये आपका हाफ एरो है, कैसा एरो है ये, हाफ एरो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये हाफ कैसा, अरे भाई जरा इधर देखो, क्या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, नहीं, क्या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, नहीं, तो ये आपका एरो कैसा है, ये आधा एरो है। कुछ लोग इसको भी पूरा एरो समझते हैं, भाई याद रखना ये आपका आधा एरो है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो ये आपका पूरा एरो है, तो ये आपका कैसे एरो है, ये आपका है कंप्लीट एरो। तो याद रखना है कि जो भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज रहता है उसमें आप लोग हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन जो भी आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज रहता है उसमें आप लोग कंप्लीट एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हो, समझ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपके फॉर्म होते हैं ना वो रहते हैं प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स, द प्रोडक्ट फॉर्म इन होमोलिटिक क्लीवेज
द प्रोडक्ट फॉर्म इन होमोलिटिक क्लीवेज इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होते हैं भाई. लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या लिखती हूँ, द प्रोडक्ट फॉर्म इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज आर कटायन एंड अनायन. ये है इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस. एक बार अपन लोग पूरे पॉइंट को रिवाइज करते हैं, फिर अपन लोग रिएक्शन की हेल्प से इसको समझते हैं. तो क्लीवेज मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना. क्लीवेज के दो टाइप्स होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, होमो है, उसके नाम में ही आ रहा है होमो. और होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा. होमोलिटिक क्लीवेज के नाम में ही होमो आ रहा है और होमो का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा. ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिलता है. वही मैंने लिखा है, वन इलेक्ट्रॉन गोज टू वन एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन गोज टू अदर एटम. एक को एक मिलेगा, एक को एक मिलेगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दो चॉकलेट है, एक बच्चे को एक चॉकलेट, दूसरे बच्चे को दूसरी चॉकलेट. लेकिन हेट्रोलिटिक में क्या होता है, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना, तो दोनों के दोनों चॉकलेट या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को मिलते और दूसरे वाला बेचारा रोने लगता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिलता. जो भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है वो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, परोक्साइड के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में. लेकिन जो भी आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज रहता है ना, वो हमेशा होता है पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे एरो में. आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज रहता है उसको आप लोग हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि वहाँ पे एक ही एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक इसको तो हाफ एरो. लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही इसको मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसको कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, एक इसको मिल रहा है, तो आधा इसको आधा इसको, इसलिए हाफ एरो. यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही मिलते हैं, तो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए कंप्लीट एरो. नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फ्री रेडिकल होता है. इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग फ्री रेडिकल बोलते हो. और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कटायन और अनायन होता है. ठीक है, चलो अब समझते हैं रिएक्शन को. सभी लोग यहाँ पे रिएक्शन की तरफ देखेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ए और मैंने यहाँ पे लिया बी. ये भी है आपका ए और ये भी है आपका बी. ध्यान से देखना, ये ए और बी के बीच में देखो क्या है, ये ए और बी के बीच में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कोवलेंट, तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है. अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्या करवा रहे हो, यहाँ पे आप लोग करवा रहे हो होमोलिटिक क्लीवेज और यहाँ पे आप लोग करवा रहे हो हेट्रोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. ध्यान से देखना भाई, ध्यान से. एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा. तो एक इधर गया, एक इधर गया, इसलिए मैंने देखो उसको कौन से एरो से रिप्रेजेंट किया, हाफ एरो से. तो एक ये है ए आपका और ये है आपका बी. ये भी आपका फ्री रेडिकल ही है और ये भी आपका फ्री रेडिकल ही है. तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ए और बी का जब आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आता है. तो इसके वजह से यहाँ पे भी आपका फ्री रेडिकल बनता है और यहाँ पे भी आपका फ्री रेडिकल बनता है. लेकिन अगर मैं वही हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करती हूँ ना, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक को ही मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट किया है. याद रखना, ये एरो ब्लाइंडली ड्रॉ मत करना, एरो ड्रॉ करते वक्त ज़रा ध्यान देना. होमो है ना, एक एक को मिल रहा है, एक को मिल रहा है, इसलिए आधा एरो इधर आधा एरो इधर. हेट्रो में क्या हो रहा है, दोनों एक को ही मिल रहे, इसलिए एक ही कंप्लीट एरो दिखाना है. इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने उसकी तरफ एरो नहीं दिखाया. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ही मिल रहे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको मिल रहे, इसलिए यहाँ पे कौन से एरो का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिखाया है, कंप्लीट एरो का. यहाँ पे आपका बनता है ए और यहाँ पे आपका बनता है बी. ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ए के पास में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, मतलब आप इसको नेगेटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये है आपका अनायन. नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस या वो स्पेसिस जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अनायन बोलते हैं. अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो अनायन के बाजू वाला क्या होगा, आप लोग ही बता दो भाई, कटायन रहेगा ना. तो यहाँ पे आपका अनायन और कटायन बनता है. इसके पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो अनायन है. इसके पास
एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? कटायन रहेगा। तो ये हुआ आपका होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हो सके तो इस टॉपिक को बुक से मत पढ़ो, क्योंकि बुक में बराबर तरीके से नहीं दिया है। मैंने यहाँ बराबर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन की हेल्प से पढ़ाने की कोशिश की। तो सभी लोग ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल को, कि फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन को। अ स्पेसीज विद द सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, अ स्पेसीज विद द सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्पेसीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से देखना, सपोज मैंने कोई रेडिकल लिया है, लेट अस से मैंने ए लिया है, तो ये भी आपका रेडिकल है। क्यों रेडिकल है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। वो भी वो इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कैसा है? ये है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर नहीं है, तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी है, इस इलेक्ट्रॉन का एक पेयरिंग है, इसी को आप लोग इसको क्या बोलते हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्या इसकी कोई जोड़ी है? नहीं। क्या इस इलेक्ट्रॉन का कोई कपल है? नहीं। क्या कोई इस इलेक्ट्रॉन का पार्टनर है? नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल तो है ही, लेकिन कैसा है? अनपेयर्ड है, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, इसकी कोई जोड़ी नहीं है, इसका कोई कपल नहीं है, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है। सिंगल का मतलब एक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कैसा है? अनपेयर्ड है, क्योंकि उसका कोई भी पेयरिंग नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अनपेयर्ड होता है, उसको आप लोग फ्री रेडिकल बोलते हो, ठीक है। चलिए, अब जो ये फ्री रेडिकल होता है ना, इस फ्री रेडिकल के भी टोटल तीन टाइप्स होते हैं, मेजर टाइप्स होते हैं। ये थ्री इसके मेजर टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इसका प्राइमरी फ्री रेडिकल। पहला टाइप होता है भाई आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल को आप 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी बोलते हो, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल को आप 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बोलते हो, ठीक है। और थर्ड होता है आपका टर्शरी फ्री रेडिकल। और टर्शरी फ्री रेडिकल को आप 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी बोलते हो, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंड है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और थर्ड है आपका टर्शरी फ्री रेडिकल। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल एक्चुअली आपका क्या होता है, ठीक है। इन प्राइमरी फ्री रेडिकल, या तो हम लोग लिखते हैं इन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, रेडिकल कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। देखो भाई, जरा ध्यान देना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसका नाम क्या है? प्राइमरी है। जैसे लोगों के नाम रहते हैं वैसे उनके काम रहते हैं, इसका नाम ही है प्राइमरी। मतलब इसमें जो भी आपका कार्बन रेडिकल रहेगा वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से, क्योंकि उसका नाम ही है, उसका नाम ही है भाई प्राइमरी फ्री रेडिकल। उसका नाम ही है भाई आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल। मतलब एक ऐसा फ्री रेडिकल जिसमें आपका जो कार्बन वाला जो रेडिकल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच रहता है। मतलब ये सी डॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच रहता है, तो उसको आप लोग प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलते हो, ठीक है। ज़रा देख लो कैसे क्या, एक बार देखेंगे तभी जाके आइडिया मिलेगा। ध्यान से देखना, ये है आपका रेडिकल, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कार्बन से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच है। चलिए इधर देखेंगे, अब देखेंगे भाई सेकेंडरी फ्री रेडिकल को। तो जो भी आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल रहता है ना, इन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, मतलब ही इन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, कार्बन डॉट इज अटैच टू 2 कार्बन्स,
क्योंकि इसका नाम ही है सेकेंडरी, इसका नाम ही है 2 डिग्री, मतलब जो भी आपका कार्बन का फ्री रेडिकल रहता है वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इधर देखो भाई कैसे, क्या ये एक कार्बन हुआ, ये आपका सेकेंड कार्बन हुआ, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपका रेडिकल है ना, यहाँ पे जो आपका रेडिकल है ना, रेडिकल वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 और 2, इसलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल में कार्बन डॉट कार्बन रेडिकल एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कार्बन डॉट मतलब कार्बन रेडिकल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो सेकेंडरी। अब देखते हैं भाई टर्शरी फ्री रेडिकल को कि उसमें क्या होता है। इन टर्शरी फ्री रेडिकल कार्बन डॉट इज अटैच टू, कितने जल्दी से बता दो, कितने कार्बन एटम इज अटैच टू, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे लिखती हूं तो आप लोगों ने यहां ये देखा कि जो भी आपका कार्बन डॉट है ना वो डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन से, इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का मतलब वो चीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल और सिंगल के साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाले स्पेसिस को रेडिकल बोलते हैं। उसके 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में कार्बन डॉट सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच रहेगा तो प्राइमरी रेडिकल। सेकेंडरी में कार्बन डॉट 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो सेकेंडरी रेडिकल, और टर्शरी में कार्बन डॉट 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फ्री रेडिकल। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने फ्री रेडिकल को तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, कार्बोकैटायन को। तो चलिए देखते हैं कार्बोकैटायन क्या होता है और कार्बोकैटायन के टाइप्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। हम लोग देख रहे हैं कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन को आप लोग कार्बोनियम भी बोलते हो, कार्बोकैटायन को आप लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकैटायन हेट्रोलाइटिक फिशन से फॉर्म होता है ना। तो अभी हम लोग को देखना है कि कार्बोकैटायन है क्या और कार्बोकैटायन को कैसे क्लासिफाई करता है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। जब आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कार्बोकैटायन वाला कंसेप्ट वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो जो भी आपका कार्बोकैटायन होता है ना, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। और कार्बोनियम आयन, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, एक ऐसा कार्बन एटम, ठीक है, जिसको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको आप लोग कार्बोकैटायन बोलते हो या तो कार्बोनियम आयन बोलते हो। देखो ध्यान से देखना कैसे क्या, अगर मैं बात करती हूँ ना इस कार्बन की, तो इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बनाए, ध्यान से देखना, इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 1, 2, 3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान से भाई, आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, और इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये जो कार्बन एटम है ना, इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉन्ड के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए। अगर आप लोग ध्यान से देखते तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ के 2 यहाँ के 2 यहाँ के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। और इसी के अलावा आपका यहाँ पे कौन सा चार्ज है, आपका यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो कार्बोकैटायन टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब उसके अंदर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब जो कार्बोकैटायन होता है ना, इस कार्बोकैटायन के भी वैसे ही 3 टाइप होते हैं, जैसे आपके फ्री रेडिकल के 3 टाइप थे ना, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी फ्री रेडिकल, या तो फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल। बिल्कुल उसी टाइप से आपके कार्बोकैटायन के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, बहुत काम का कंसेप्ट है,
पहला टाइप है भाई आपका प्राइमरी कार्बोकटायन, इसी को आप लोग 1 डिग्री कार्बोकटायन भी बोलते हो, 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। सेकंड होता है आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन, उसी को आप 2 डिग्री कार्बोकटायन भी बोलते हो। और थर्ड होता है आपका टर्शरी कार्बोकटायन, उसी को आप 3 डिग्री कार्बोकटायन भी बोलते हो, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकंड है सेकेंडरी कार्बोकटायन, और थर्ड है आपका टर्शरी कार्बोकटायन। चलिए देखते हैं इस चीज को कि ये चीज क्या कहती है। प्राइमरी कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ये जो आपका कार्बोकटायन है ना, सबसे पहले अपन इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो कार्बोकटायन है ना, ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बोकटायन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकटायन। समझ गए ना, जैसे नाम वैसे काम। इसका नाम ही है 1 डिग्री कार्बोकटायन, इसका नाम ही है भाई प्राइमरी कार्बोकटायन। मतलब इस कार्बोकटायन के केस में आपका जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकटायन। इधर आ जाओ भाई, इसका नाम ही है सेकेंडरी कार्बोकटायन। मतलब इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में आप ये देखोगे भाई कि जो भी आपका कार्बोकटायन है ना, वो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए उसका नाम क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटायन। और अगर मैं वही बात करती हूँ ना टर्शरी कार्बोकटायन की, तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका टर्शरी कार्बन है ना, वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए उसका नाम क्या है, टर्शरी कार्बोकटायन। तो प्राइमरी कार्बोकटायन में जो आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा। सेकेंडरी कार्बोकटायन में जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा। और टर्शरी कार्बोकटायन में जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बोकटायन, ठीक है। तो ये हुआ आपका कार्बोकटायन, और ये हुआ आपके कार्बोकटायन के टाइप। सिर्फ इतना ही याद रखना कि कार्बोकटायन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होता है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, दिस पार्ट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, स्पेशली इन 12th स्टैंडर्ड। इफ यू लुक इनटू चैप्टर नंबर 10, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस पार्ट का, क्योंकि काफ़ी बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो यूजुअली कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन यू ऑल आर वेरी लकी कि ये 11th स्टैंडर्ड का ही पार्ट है, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अब हम लोगों ने कार्बोकटायन को तो पढ़ लिया, अब हम लोग अपने थर्ड टाइप को पढ़ रहे हैं, जो कि है कार्बेनियन, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्बेनियन क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं कार्बेनियन को कि कार्बेनियन क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, इसके नाम में ही आ रहा है कार्ब अनायन। कार्ब अनायन का मतलब देखो क्या होगा, कार्ब का मतलब होता है कार्बन, और अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसी का मतलब क्या होता है, कार्बेनियन। तो याद रखना, कार्ब का मतलब होता है कार्बन, अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, कार्बेनियन। चलिए देखते हैं कि कार्बेनियन में क्या होता है। द कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए नेगेटिव चार्ज, द कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए नेगेटिव चार्ज is called as कार्बेनियन, और इसी कार्बेनियन को आप सी नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हो। चलिए समझते हैं इस चीज को कि कैसे क्या। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कार्बन को लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 4। अब एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पे है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है आपके 2 इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे भी है आपके दो इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि इस कार्बन एटम ने टोटल आपके चार बॉन्ड बनाए हैं। अब एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन ने अगर चार बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार बॉन्ड का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? यहाँ पे जो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, वो है एट। एट आपके टोटल इलेक्ट्रॉन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसी के अलावा आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है। तो कार्बन एन में कार्बन टोटल चार बॉन्ड बनाता है, मतलब फोर, देखो कार्बन टोटल फोर बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड का मतलब टू इलेक्ट्रॉन, तो फोर बॉन्ड का मतलब एट इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो भी आपका कार्बन एन है ना, उसके भी टोटल तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका प्राइमरी कार्बन एन, जैसे फ्री रेडिकल के भी टोटल तीन टाइप थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे कार्बोकटायन के भी टोटल तीन टाइप थे, प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन। वैसे आपके कार्बेनियन के भी टोटल तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी कार्बेनियन, ठीक है, और 1 डिग्री कार्बेनियन। सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बेनियन। और 2 डिग्री कार्बेनियन। थर्ड रहता है आपका टर्शरी कार्बेनियन। और 3 डिग्री कार्बेनियन। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि प्राइमरी कार्बन एन में, जैसे कि इसका नाम ही है 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन एन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन एन में आपके, आपने क्या देखा कि इसका नाम ही है सेकेंडरी, मतलब है 2 डिग्री, मतलब जो भी आपका कार्बन एन है ना वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन एन। और टर्शरी में आप लोगों ने क्या देखा, इसका नाम है 3 डिग्री, मतलब जो भी आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन है ना वो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बेनियन। तो प्राइमरी कार्बेनियन में आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा। सेकेंडरी कार्बेनियन में जो भी आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच रहेगा। और टर्शरी कार्बेनियन में जो भी आपका कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ही नेगेटिवली चार्ज कार्बन, तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये बेसिक पढ़े बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स स्टॉप हियर गाइस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।